अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर व्यापार हो रहा है, सौदा हो रहा है बेटियों का, और किस तरह यहाँ पर होली लग रही है और कैसे बायर्स इकट्ठे हैं। मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट FF होम डिलीवरी से एहसन लतीफ इस वक्त मसरूफ है होली में। सुबह सुबह आमतौर पे यहाँ फ्रूट्स एज अ स्टॉल देखने को नहीं मिल रहे, रादर देन बोली का जो बाजार गर्म है हर तरफ ही तकरीबन। ये देखें, यहाँ भी बोली लग रही है, इधर भी होली लग रही है। तो आई थिंक दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टाइम कि मैं आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की क्लोजअप दे सकूं। इजाजत दे, फिलहाल आउटर स्पेस से अभी अंदर एसएम से मिलना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली हम एहसन के साथ बैठ गए हैं और वो भी बोली से फारिग हो गए हैं। अब इनसे जानेंगे फ्रूट मंडी लाहौर में बोली का कॉन्सेप्ट और इनका जो कारोबार है HMS मार्केट अल मशहूर डोर वाले, इसकी हिस्ट्री और मार्केट कैसे चलती है वो सब जानते हैं हाफिज मोहम्मद एहसन लतीफ से। जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आपको काफ़ी एनर्जी में देखा है बोली लगाते हुए। सबसे पहले तो ये बोली का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। जिस तरह का माल है उसके मुताबिक बेचना होता है। मैक्सिमम बोली जो है ना वो आड़ती खुद करते हैं, खासकर सेब में। मार्केट बाजार है मसाला 1000 का, तो हमने कोशिश करना है इसको 1050 में, 1100 में या 950 में, इस राउंड अबाउट में हमने उसको रखना है। बोली में आप बता रहे थे 300, 400, 600। एक मुझे पता है कि यार ये 1000 से 1300 का बिकने वाला है, मैं उसको शुरू करूँगा। मैं जी 7, 7.5, 7.5 पाउंड जो जो इशारा करता जाएगा, मतलब 1000, 1300 में बिकने वाला है। आप 700 से शुरू? 700 से शुरू कर लूँगा कि जो लेने वाला है वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो, कि वो कहेगा हाँ भाई ये 30, 1300 वाली है या 1200 वाली है, ये 700। तो मैं ये 700 में बोल रहा हूँ तो मैं इसको पिक करूँ। जब आप कहते हैं 700 और फिर साथ ही कहते हैं 800, तो 700 वाली डील खत्म? हाँ 700 वाली खत्म, 700 मैं बोला हूँ। आगे बोला बंदा इशारा करते जैसे आप ही हैं, आप बोलते हैं जी मुझे दे, आपका 750, 750, 750, 800, 800, 800, 850। जो जो इशारा करता जाता है उसको उतने उतने 25 बढ़ते जाते हैं। मतलब ये टाइम की सारी गेम है, जिसने पहले इशारा कर दिया तो उसको उतने का, जिसने इशारा करना उसको उतनी उतनी बोली बढ़ती जाएगी। उनका मकसद तो पेटी में जो माल आप खोल के दिखा रहे थे, जी जी, तो दो पेटियां ला के खोलते हैं तो उसके पीछे कितना माल होता है? वो हर पेटी के ऊपर नंबर लिखा होता है, मार्का लिखा होता है। ओके। आपका नाम है रोहान, जी जी, आपका मुखफ लगा ले RH कर ले, आपका एक मार्का है, एक मुखफ लगा ले RH, आपका नाम की एक पेटी आएगी। उसके ऊपर जब बागों में पैकिंग होती है ना, डेरियाँ लग जाती हैं वहाँ पे। एक डेरी लगी हुई है, एक दरख्त की है, दूसरी डेरी दूसरे दरख्त की है, तीसरी डेरी तीसरे दरख्त की है, इस तरह डेरियाँ काफ़ी लगी होती हैं। फिर जब उधर नंबरिंग लगती है वो बोलते हैं जी एक डेरी में से बनी है 15 पेटियाँ, ओके, वो 1/15 हो गई। दूसरी डेरी में से बनी है 23 पेटियाँ, वो 2/23 हो गई। डेरी की ज़्यादातर क्वालिटी सेम होती है, सेम जो एक डेरी होता है ना वो सेम पैकिंग होती है, उसमें फ़र्क नहीं होता। वो गोला हो गोला है, पहाड़ी है पहाड़ी है, जिस तरह का भी हो वो सेम पैकिंग में होता है। तो आज तो तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। आमतौर पर सेब की अगर बोली बात करें और दूसरे फ्रूट्स की भी अगर बात कर लें तो आप मैक्सिमम कितनी देरी मैराथन करते हैं? वो डिपेंड करता है माल कितना है। समटाइम ऐसा भी होता है कि जब मैं हैदराबाद स्टोर का माल भेजता हूँ तो सुबह 11 बजे शुरू करता हूँ तो शाम 6-7 भी बज जाते हैं, मैं 8-9 घंटे इसको मैं बेचना पड़ता है, क्योंकि उस दिन माल ज़्यादा होता है। जिस तरह कि आज माल था, थोड़ा भी नहीं था, ज़्यादा भी नहीं था, मुझे अंदर में आना था, मिनिमम इतना टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा, 1.5-2 मिनिमम लग जाते हैं। आपके साथ कुछ और सेल्स मैन थे मेरे ख्याल से आप ही की कंपनी के, उनका क्या रोल होता है उसमें? पब्लिसिटी करने के लिए, आगाह को मुतवज्जो करने के लिए वो बंदे खड़े होते हैं, उन्होंने आवाज़ वगैरह लगानी है, उनको पता होता है कि हाँ भाई इस जगह पर बोली हो रही है और यहाँ पर माल इस तरह का बिक रहा है, इस तरह का बिक रहा है, तो उस वजह से अंदाज़ा हो जाता है लोगों को। यहाँ पर आपके पास लाहौर के अलावा और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तकरीबन हर सूबे से हैं,
हर शहर के हैं। अच्छा, तो लाहौर में जो सुबह माल लेकर जाते हैं वो तो चले पूरे लाहौर शहर में फैल जाते हैं, कुछ रेड़ी में कुछ दुकानों में वो बेचते हैं, जो दूसरे शहर के हैं वो यहाँ से ले जाते हैं कैसे उसको, मतलब उसकी स्टोरेज, एक फ्रूट की लाइफ जो है वो कैसे मेंटेन रखते हैं? लाहौर मार्केट ये है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कारोबार के हिसाब से, यहाँ पे अरबों रुपए का बिजनेस है डेली में। जो दूसरे शहरों के आते हैं ना, उनका ये होता है कि मिसाल आज उन्होंने लिया है, शाम तक या सुबह तक उनके शहर में पहुंच जाएगा, उन्होंने अपना रेड़ी पे बेचना है या जूस पार्लर है मंडी के अंदर को बेचने वाले हैं, या आड़ती जो दूसरे शहरों में है जैसे फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पिंडी, इस तरह के जो आड़ती हैं वो भी यहाँ से माल करके लेते हैं। आड़ती मींस होता है कि जो आड़त का मालिक हो, जिस तरह की बिल्डिंग है वो अपना आड़त, यानी कि वो अपना माल बेचता है, उसके पास डायरेक्ट बागों से माल आता है, वो परचेजिंग नहीं करता। आप भी आड़ती हैं? हम आड़ती हैं, हमारे पास डायरेक्ट बागों से माल आता है, वो ये होता है परचेजिंग नहीं करता वो, वो कोई माल खरीदता नहीं है, उसका काम है सिर्फ बेचना, डायरेक्ट बाग से माल आया मार्केट के साथ उसने बेचना है। तो इस पूरी मार्केट में तो कह लें कि बिलियंस का बिजनेस होता होगा। बिलियंस का बिजनेस, आपको पहले बताया ना कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कि कारोबार के लिहाज से यहाँ पे हर फ्रूट हर किस्म का और जितना मर्जी आ जाए ये मार्केट जो है इसको ना नहीं करती। अब हम बात करते हैं आपकी बिजनेस के बारे में, HMS मार्केट डोर वाले। HMS मार्केट डोर वाले, ये मेरे दादे का नाम है, HMS मुकफ़ है हाजी मोहम्मद शफी डोर वाले हैं, ये हमारी अल शुरू से मशहूर है, क्योंकि हमारा ये सेटअप है ना ये जद्दी पुश्ती है, 1947 से पहले का दादा मेरा जो है ना, ये जब बरेसगीर था, पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे थे, तब से ये फ्रूट का काम करते आ रहे हैं, और उस टाइम में पार्ट टाइम पिछले टाइम डोर वगैरह का भी काम करते थे, वो मशहूर था इधर के डोर वाले के नाम से। जो बड़े हैं जिनकी एज तकरीबन 70+ है, वो डोर वाले को जानते हैं कि डोर वाले को। जी जी, आज मैं मार्केट आया हूँ, मैंने भी लोगों से पूछा डोर वाले के पास जाना है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जाके 69 नंबर दुकान आएगी। आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन इस बिजनेस में इन्वॉल्व है? मेरे वालिद साहब है, छोटा भाई है, एक छोटा है पीछे अभी रेडी हो रहा है, बकाया आगे स्टाफ है जो सारा इसको चला रहा है। आपके वालिद साहब को देखा मैंने नीचे, वो भी बोली का हिस्सा थे। जी जी, और बड़ी एक जबरदस्त सी आवाज निकाल रहे थे। बात है ना कि ये रूटीन है मंडी की ना, कि कुछ चीजें सेल में ना, बड़ी यूनिक उनकी कॉलिंग थी आप सब से ना, सबकी अपनी अपनी थी, एक उनकी अपनी थी, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। वो एक हिस्सा उनका जिंदगी का इस फील्ड में गुजर गया है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, वो जो करते हैं या जो वो कहते हैं उनकी बातें 16 आने बेहतर होती हैं। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन एसन भाई, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आज आपको एक नए रूप में देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम।